मनाली एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जहाँ जाने का सपना हर एक टूरिस्ट, हर एक ट्रैवलर ज़रूर देखता है। फिर चाहे आप फ्रेंड्स के साथ जाएं या फैमिली के साथ, यह आपकी परफेक्ट यादगार ट्रिप ज़रूर बन जाती है। और अगर आप अभी तक एक बार भी मनाली नहीं गए और जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 3 दिन के अंदर किस तरीके से आप मनाली और उसके आसपास की जगहों पे अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, तो बने रहे अंत तक। तो वीडियोस तो आपने सारी देख ली, सारे एपिसोड्स आपने देख लिए। अब मेन बात रही कि जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप जब भी मनाली जाएंगे, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ या जहाँ मैं नहीं गया, जहाँ मेरे पास कुछ समय कम था, वहाँ भी आप लोगों को मैं बताऊँगा आप कहाँ कहाँ और जा सकते हैं। तो देखिए, मेन बात जो रहती है वो ये है कि आप सबसे पहले मनाली जाएंगे कैसे। आप अगर दिल्ली से हैं तो मैं आपको सबसे बेहतरीन एक तरीका बताता हूँ। अगर गाड़ी से, देखो यार, कोई भी जा सकता, गाड़ी की बात ही अलग। तो सबसे बेहतरीन मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, डायरेक्ट ट्रेन वहाँ के लिए है नहीं, तो आप सबसे बेहतरीन है आप वोल्वो बस करिए। इंटरसिटी जो मैंने करी थी, मेरा तो कोई बड़ा चैनल है नहीं, पहली बात, जो मैं किसी का प्रमोशन करूँगा, ठीक है। तो मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। और बसों के अंदर आप जाओगे या धक्के मुक्के वोल्वो में तो खैर नहीं होते, मतलब अजीब अजीब लोग, फुकरे चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फैमिली के साथ आपको वो सूट नहीं करेगा। और यार, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, 200-300 रुपये का फ़र्क आएगा। अगर 600-700 रुपये की टिकट वैसी होती होगी तो वो 800-1000 रुपये की होगी। मगर सेफ़ जाओगे सबसे बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ। मज़े करोगे अच्छी तरीके से। 2 मिनट अगर सीट से खड़े भी हो जाओगे ना, तो 2-3 बंदे होते हैं बस के अंदर, वो मिनट से पहले आ जाएंगे पूछने के लिए आपसे, हाँ जी सर, हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर आपको। इसलिए बोल रहा हूँ सबसे बेहतरीन मुझे इंटरसिटी लगी। मैंने भी अच्छी तरीके से खोजबीन करी थी आप लोगों की तरह, अगर आप जा रहे तो आप भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैंने भी ना ऑनलाइन और रिव्यू पढ़े थे बंदों के, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी। सबसे बेहतरीन मुझे इंटरसिटी ही लगी। मैं बता रहा हूँ, इंटरसिटी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मज़ेदार एकदम सफ़र रहेगा आप लोगों का। अब आपने इंटरसिटी कर ली, रात को 7 बजे की आपकी होगी, 7-8 बजे के आसपास, तो सुबह पहुंच जाओगे आराम से 6 बजे तक, 6-6:30 तक मनाली के बस स्टैंड पर, ठीक है। रोशन जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके अलावा किसी और को अगर आप जानते या किसी और को आप लेना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या खुद ही अपना घूमना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको अगर वैसे कोई दिक्कत है तो आप रोशन जी को कांटेक्ट कीजिए। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। रोशन जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको वहाँ पे खड़े मिलेंगे बस स्टैंड पर। आपको होटल भी वो करा देंगे, कोई कमीशन वगैरह कुछ मेरे को नहीं लगा कि ऐसा करते होंगे यार। जितने में हमने इतना बेहतरीन रूम लिया था, आप लोगों ने देखा है, उससे ज़्यादा ही हम जब अकेले निकले थे ना घूमने के लिए, तो यार हमने देखा बहुत ज़्यादा प्राइस, तो कंडीशन भी बेकार थी रूम्स की। मॉल रोड पर रूम लेना मत, मॉल रोड पर फंस जाओगे, शोर शराबा वगैरह, शांति के लिए जाओगे, शांति मिलेगी नहीं। तो सबसे बेहतरीन है जहाँ पे हमने जो करा था, वो था व्यास व्यू होटल, बहुत बेहतरीन होटल था, 1200-1300 रुपये में हमने लिया था, रोशन जी ने ही करवाया था इनफैक्ट, ठीक है। तो आप लोग भी वही कर लेना अगर मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। उसके बाद रही बात, आप मैं बताऊँ, थर्सडे को निकल रहा रात को, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास रहेंगे। तो पहले दिन जाना आप लोकल वन विहार, वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल, ठीक है, और अपना हडिम्बा टेम्पल, सब जगह घूम लेना। सेकंड डे पे जो है आप अटल टनल ज़रूर जाना, ज़रूर 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 जाना, मैं बोल रहा हूँ आपको। अब तो रोहतांग भी खुल गया, रोहतांग भी जा सकते हो। हमारा अटल टनल वाला एपिसोड आपने देखा है, कितनी बेहतरीन जगह है यार, मतलब पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है भाई साहब। मनाली से जैसे आप अंदर घुसोगे अटल टनल में, जैसे आप पार करोगे, कम से कम 15-20 मिनट आपको लगेंगे वो पार करने में, पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। ऊपर की बेहतरीन पहाड़ियों से गुजर के आप जाओगे, मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अपन फैमिली जा रही है भाई साहब, वो बोलेंगे क्या दिखा दिया बच्चों तुमने, ज़रूर, ठीक है। और अगर आप फिर रही थर्ड, वहाँ से आप अटल टनल से लाहौर निकलोगे, लाहौर से आप फिर कोकसर, सिसु, इन जगहों पे और जा सकते हो, ठीक है। एक्टिविटीज़ वहाँ पे अगर ओपन हुए, पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो कर ले, अगर चाहो तो कर लेना। फिर रही थर्ड डे की बात, थर्ड डे पे आप कर सकते हो, मैं जहाँ गया था, मैं तो गया था कुल्लू नगर, वहाँ पे शूटिंग प्लेस वगैरह है। रोशन जी के साथ जाओगे तो सब घुमा देंगे, वहाँ के लोकल वगैरह सब जानते हैं, ठीक है। एप्पल ट्री वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, तो मज़े करोगे फुल। एक ऑप्शन और है आपके पास, आप जा सकते हो मणिकरण। मणिकरण में गुरुद्वारा है और भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, पार्वती नदी है पूरी बहती हुई, अच्छी तरीके से पूरी सैलाब के साथ आती है भाई साहब, वो देखने वाली चीज़ है। टाइम नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर जाता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा मन था,
जब अगली बार जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा उस जगह पे। अगर आप टाइम थर्ड डे पे अगर आप वहाँ पे घूम घाम के अगर टाइम से वापस आ जाते हो ना, तो आप ज़रूर जाना जोगनी वाटरफॉल, ठीक है, वशिष्ठ टेम्पल या मनु टेम्पल से आई थिंक वहाँ के लिए रास्ता निकलता है। तो आप जोगनी वाटरफॉल ज़रूर मिस मत करना यार, वो देखने वाली चीज़ है। ठंड में हम गए थे, फरवरी की वीडियो थी सारी, फरवरी में हम गए थे तो हम जा नहीं सकते थे उस जगह पे क्योंकि बर्फ़ बहुत सारी होती है और वन में से जाना पड़ता है उधर, तो फैमिली भी साथ थी तो हम नहीं जा सकते थे। अगर आप लोग गर्मियों में जा रहे हैं तो भाई जोगनी वाटरफॉल 160 फुट, समझते हो, 160 फुट से फॉल होता है, तो भाई सब देखने वाले, उसके नीचे भी नहीं जाओगे ना, दूर से ही भीग जाओगे। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना, तो शाम को आप वॉल्वो पकड़ लो और वापस आ जाओ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि मनाली जो है बिल्कुल सेफ़ है, इनफैक्ट गर्ल्स और वुमेंस, अब लोग अगर जा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ या फिर अकेले भी जा रहे हैं या फिर सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यार। मतलब रात भर 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ पे लड़कियाँ, लड़के और मतलब फैमिलीज़ वगैरह सब पूरी तरीके से इंजॉय करते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सेफ़ है मनाली। मैं आपको बताऊँ, मैं तरह तरह के जगह पे गया हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल में, जम्मू में, मैं बहुत जगहों पे गया हूँ। आप धीरे धीरे करके ब्लॉग्स देखोगे आपको पता लगता रहेगा। और ये चैनल तो मेरा नया है, बाकी इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया वहाँ फ़ोटोज़ देख सकते हो, मैं काफ़ी जगह पे ट्रैवल करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सेफ़ है मनाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। बस ये है कि देखो हर चीज़ अपने हाथ में होती है, तो आप लोगों को भी अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, बाकी जगह में कोई दिक्कत नहीं है। लोग भी बहुत प्यारे हैं मनाली के, मैं सच बताऊँ आपको, पहाड़ी लोगों को। यार देखो ट्रैवलिंग जो है उनके लिए मेन जो सोर्स है इनकम का वो है, हम लोग वहाँ जाते हैं वही सोर्स उनका है कमाने का, तो कुछ आते हैं कि यहाँ पे पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। आप जाओ इन्जॉय करो मनाली के अंदर। और हाँ, रहे मेरी चैनल की बात, तो आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, मेरा न्यू जो ये चैनल है आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अच्छे व्यूज़ मुझे दिए, अच्छे सब्सक्राइबर मेरे गेन हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और ये बात भी बोलना चाहूँगा कि देखिए मैंने चाहता तो मैं सब्सक्राइबर्स और बढ़ा सकता, व्यूज़ और ला सकता था, मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे दोस्तों को या मेरे किसी रिश्तेदारों को, मैंने कुछ नहीं बोला, फ़ोन कर करके या फिर व्हाट्सएप करके, इंस्टा पे स्टोरी, कुछ भी नहीं करा। मैंने अपना चैनल बनाया, अपने चैनल पर वीडियोज़ डाली, और जो लोग मेरी तरह ट्रैवलिंग में खुश रहते हैं, ट्रैवलिंग में को पसंद करते हैं, जगह जगह देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल चैनल बनाया। जो लोग देखेंगे सब्सक्राइब करते हैं, और जो भी सब्सक्राइबर सारे ओरिजिनल हैं, मैंने किसी को मोबाइल छीन के नहीं बोला और लोगों की तरह से सब्सक्राइब कर, बेशक कम सब्सक्राइबर्स हो मेरे, कम व्यूज़ आए, थोड़े थोड़े करके गेन होंगे मेरे को पता है, जैसे अभी तक हो रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो होंगे वो बिल्कुल मेरे अपने होंगे, ठीक है, वो लोग देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उन लोगों को मज़ा आएगा देखने में। और एक चीज़ और, आप लोग इंस्टा पे जो मेरे को कई लोगों ने DM भी करा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पर, मुझे बड़ा मतलब खुशी सी लगती है। और मेरे इंस्टा पे भी मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया, तो लोगों को शिकायत थी एक लोगों कई लोगों को कि भैया ब्लॉग जल्दी डालो यार, लेट क्यों कर रहे हो प्लीज़ ऐसे करके। तो मेरे को भी नहीं पता लगा कि इतने बेहतरीन सब्सक्राइबर लोगों को इतना मतलब अपनापन मेरे से जल्दी कैसे हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका प्यार, आपका धन्यवाद। और हाँ, मनाली के बाद मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलरेडी। मनाली मैं फरवरी में गया था, फरवरी के बाद वीडियोस काफ़ी लेट आई है, काम वाम वर्किंग वो समझो बात को हो जाता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, और नया नया है अभी थोड़ा सीख भी रहा हूँ, उसी हिसाब से एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, मगर अब नहीं लगेगा। अब जैसे मेरी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो चुके हैं व्लॉग्स, तो अब जो व्लॉग्स मेरे एडिट कर करके फटाफट डालूंगा, आप लोग पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे 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 मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ आप लोगों को फटाफट नोटिफिकेशन है, बेल आइकन जरूर दबा देना, फटाफट नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो ही, और लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो ही, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक। तो धन्यवाद फिर से, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करके इस फैमिली का मेम्बर बन जाइए, और इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाइए।